आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टू क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्प्रिंग क्वांटम नंबर। आप लोगों को मालूम होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने दो क्वांटम नंबर्स, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एलसीएम क्वांटम नंबर को पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद रखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम सिंबल स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आपको मालूम है कि क्वांटम नंबर जो होती है वो हमको किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है। तो ये क्वांटम नंबर, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी हमको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो सुनिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें यह मालूम होता है कि किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और उन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है। आपको याद रखना है कि एटम के अंदर शेल होगा, इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, शेल में होता है, लेकिन शेल के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करते हैं, किंतु शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। हिंदी में शेल को कोश, सब शेल को उपकोश और ऑर्बिटल को कक्षक कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, दिस क्वांटम नंबर ऑल्सो एक्सप्लेन ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। इनको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब हमें निकालना है m की वैल्यूज। याद रखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी अपनी अपनी वैल्यूज होती है। ये कैसे आती है हम वो पढ़ते हैं। Value of m depends upon value of l. For each value of l, value of m varies from minus l to plus l, including zero. इसका मतलब ये हुआ कि if you want to find value of magnetic quantum number, then you will need azimuthal quantum number l. आपको मालूम है l क्या है? Azimuthal quantum number है। तो अगर आपको l मालूम हो तो आप m निकाल सकते हो, और l की किसी भी वैल्यू के लिए जो m की वैल्यूज होंगी, माफ कीजिएगा, जो m की वैल्यूज होंगी वो माइनस l से प्लस l तक होंगी। जैसे यहां पर आपको दिखाया हुआ है टेबल में, यहां लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ l, बाजू में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ m, जो होता है माइनस l टू प्लस l बट जीरो के साथ, इंक्लूडिंग जीरो। तो सुनिए, आपको मालूम है कि किसी शेल में बेसिकली चार होते हैं सब शेल, जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनको हमने पहले पढ़ा हुआ भी है प्रीवियस वीडियोस में। आपको मालूम है कि चार सब शेल जो होते हैं वो होते हैं S, P, D और F। ये चार सब शेल हमको याद रखना है, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल। आपको याद होगा कि L की वैल्यूज यहां पर इतनी हमको पहले से मालूम होती है, इतना हमें निकालना होता है, फाइंड करना होता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो तो, कि अगर L की वैल्यू जीरो हो तो उसका क्या मतलब है। अगर L की वैल्यू जीरो हो तो इसका मतलब यह है कि ये वाला S सब शेल है। तो हमने क्या सीखा कि S सब शेल के लिए L की वैल्यू जीरो होती है। L की वैल्यू वन है मतलब ये होगा P सब शेल, L2 है तो ये होगा D सब शेल, L3 है तो ये होगा F सब शेल। हम azimuthal क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं कि S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। अब जैसे हमने बात की थी कि जो M की वैल्यूज होगी, वैल्यूज ऑफ M होगा वो माइनस L2 प्लस L होगा। अभी यहां पर L की वैल्यू 0 है तो M क्या होगा, माइनस 0 से प्लस 0, बट माइनस 0 प्लस 0 तो एक ही चीज है, वो 0 ही है। तो हमने क्या पुट कर दिया, केवल लिख दिया 0। अब अगर L की वैल्यू 1 हो जाए तो M क्या होगा, तो ये होगा माइनस 1 से प्लस 1। भाई L के लिए माइनस L से प्लस L, तो 1 के लिए माइनस 1 से प्लस 1, मतलब माइनस 1, 0 और प्लस 1। ये देखिए अब क्या होगा, अगर L 2 हो तो फिर M क्या होगा, माइनस 2 से प्लस 2, मतलब माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2। इन सिमिलर वे अगर L 3 हो जाए तो M क्या होगा, माइनस 3 से प्लस 3, मतलब माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2 एंड देन प्लस 3। तो ऐसी वैल्यूज हमको मालूम होती हैं, ये M की वैल्यूज हैं और इनको हम केवल तभी निकाल पाएंगे जब हमको L की वैल्यूज मालूम हो। एक खास बात और, Each value of m represent a specific orbital. आपको याद रखना है यहां पर हर एक वैल्यू से हम एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल को इंडिकेट करते हैं। जीरो का मतलब एक अलग ऑर्बिटल, वन प्लस वन का मतलब अलग ऑर्बिटल, माइनस वन का मतलब अलग ऑर्बिटल। तो हर एक वैल्यू से एक ऑर्बिटल इंडिकेटेड होता है। अब एक चीज सुन लीजिए कि यहां पर s सब शेल के लिए, S सब शेल के लिए L की वैल्यू 1 आई, वैल्यू तो 0 है बट वो सिंगल वैल्यू है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा।
एस सबशेल में होता है एक ऑर्बिटल। अब देखो पी के लिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3 वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पी सबशेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल। अब देखो 2 मतलब डी सबशेल, डी सबशेल के लिए एम की वैल्यूज 5 हैं, 1 2 3 4 5, और 5 वैल्यूज का मतलब 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब एफ के लिए एम की वैल्यूज कितनी है, ये 7 वैल्यूज हैं, मतलब 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो हमको यहां पर से ये मालूम हुआ कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होगा, एक कक्षक होगा, पी में होंगे 3 ऑर्बिटल, डी में होंगे 5 ऑर्बिटल, और एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल। अब आपको मालूम है कि हमने हर क्वांटम नंबर में ये पढ़ा था कि उस क्वांटम नंबर की हेल्प से, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो एजीमुथल हो, चाहे वो अभी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो, हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम MVR को। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एम एम प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है एम की वैल्यू और पूछेगा उसका एंगुलर मोमेंटम, तो फॉर्मूला ये यूज होगा, जहां पर एम लिखा हुआ है वहां आप एम की वैल्यू पुट करिए और आपको मालूम हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो हमने इतना पढ़ लिया, अब हम लौटते हैं ज़ीमन और स्टार्क इफेक्ट पर। किसी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसिंग सोर्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तो जो उस स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं वो और थिन लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम ज़ीमन इफेक्ट या फिर स्टार्क इफेक्ट कह देते हैं। यदि हमने फील्ड लिया होगा मैग्नेटिक फील्ड तो इसे कहा जाएगा ज़ीमन इफेक्ट, और अगर हमने फील्ड लिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे कहा जाएगा स्टार्क इफेक्ट। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसिंग सोर्स है, एक ऐसा सोर्स है जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए मान लो ये एक फिल्म होगी, स्क्रीन होगा, जहां पर मुझे ऐसी लाइंस मिलेगी। अब ये लाइंस कौन सी है, तो ये लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। एक्चुअल में ये लाइंस शो करती हैं सबशेल को, एस को, पी को या डी को। तो होता यूं है कि जब इस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसिंग सोर्स, अभी देखो अभी ये मान लो आप लोग कि यहां पे कोई भी फील्ड या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो सारी लाइंस इंडिविजुअल हैं, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। लेकिन जब मैं इस करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स को पुट कर दूंगा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब जो स्पेक्ट्रम बनेगा वहां पर भी ये लाइंस होंगी, लेकिन अब ये लाइंस क्या होंगी, और थिन लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए स्प्लिट हो जाएंगी, जैसे ये मान लो एक लाइन है, अभी भी कैसी रही, एक रही, बट ये एक लाइन है, अब क्या हो जाएंगी, 3 लाइन में ब्रेक हो जाएगी। यहां पर 3 लाइन बनाया है मैंने, आप अच्छे से देखिएगा इसको, ये एक लाइन है, हमने पुट किया मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये ब्रेक होता है 5 लाइन में। ये एक और लाइन है, हमने पुट किया मैग्नेटिक फील्ड में या पुट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये ब्रेक हो रहा है 7 लाइन में। ओके, तो अब आपको गौर करना है कि यहां पे आपको कितनी मिली है लाइंस, 1, यहां कितनी मिली है लाइंस स्प्लिट होने के बाद, 3, यहां कितनी मिली है लाइंस 5, और यहां कितनी मिली है लाइंस 7। तो आपको याद रखना है कि हमने ये पाया, या हमको जिन्होंने इसे स्टडी किया उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सिंगल सिंगल लाइंस हैं ये शो कर रही हैं सबशेल को, और जो यहां पर जो ये स्प्लिट हो रहा है लाइन और थिन लाइन में, वो शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट सबशेल को। मतलब अगर ये सबशेल को शो कर रहा हो तो ये उनमें प्रेजेंट ऑर्बिटल को शो कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर स्प्लिट होने के बाद भी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करने के बाद भी लाइन एक ही है, तो यहां पे होगा एक ऑर्बिटल, यहां पे क्या होगा, एक ऑर्बिटल। अब यहां पे कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, यहां कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल, और यहां कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल। तो अब हमको मालूम हो गया कि जो ये फर्स्ट है ये क्या होगा, एस सबशेल, ये क्या होगा, पी सबशेल, ये होगा डी सबशेल, ये होगा एफ सबशेल। तो यहां पर घूम फिर कर बात ये हो रही है कि इस मैग्नेटिक फील्ड से हमको ये मालूम हुआ था कि किसी शेल में कितने सबशेल होते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यही ऐसी, और ये जो
क्वांटम नंबर है यही ऐसा क्वांटम नंबर है जो एक्सप्लेन कर पाता है ज़ीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट को, क्योंकि ये वही शो करता है जो हमको मालूम हो रहा है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम से, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यहां पर भी हमको उतने ही उतनी लाइन मिल रही हैं और ये लाइंस कुछ और नहीं बल्कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर रही है जो प्रेजेंट होता है रिस्पेक्टिव शेल में, रिस्पेक्टिव सब शेल में। जैसे एस में एक ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल, डी में पांच और एफ में सात ऑर्बिटल। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम पढ़ने वाले हैं वो है स्प्रिंग क्वांटम नंबर और ये हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है। आपको याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन अपने एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। मतलब मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड गोल चक्कर लगा रहा होगा, बट इसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस पर या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में भी रिवॉल्व रोटेट करता है और इसको हम उसका स्पिन कहते हैं। हिंदी में इसको स्पिन को चक्रण कहा जाता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसको, चक्रण कहते हैं, स्पिन को हिंदी में चक्रण कहते हैं। अब होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है क्लॉकवाइज तो हम उसके लिए स्पिन को प्लस हाफ कहते हैं। हम क्या कहते हैं, स्पिन को प्लस हाफ कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसकी स्पिन को माइनस हाफ कहते हैं। याद रखना है स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से शो करते हैं, तो ये एस प्लस हाफ अगर क्लॉकवाइज है तो, और एस माइनस हाफ अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो। अब अगर यहां पे क्या हो, ऑर्बिटल, तो ये हो गया ऑर्बिटल, और मान लीजिए यहां पर भी क्या है, ऑर्बिटल है, तो अगर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन आया और वो घूम रहा है कैसे, क्लॉकवाइज, तो उसको हम शो करते हैं अपवर्ड एरो से। अगर आपके ऑर्बिटल में, हिंदी में इसे कहते हैं कक्षक, में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो इसको हम शो करते हैं डाउनवर्ड एरो से। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए ये आपका एक ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दो होगा, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो पहला आता है, ऐसा अजम्पशन है, ऐसा हम मानते हैं कि जो पहला वाला होगा, जो पहले आएगा वो घूमेगा क्लॉकवाइज और जो दूसरा होगा, मतलब जो एक के आने के बाद आएगा वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये ऑर्बिटल है जिसमें आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो जो पहला वाला आएगा वो अपवर्ड एरो से डिनोट होगा, मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, और जो अब इसके बाद आ रहा है, क्योंकि दो आते हैं इसमें, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो इसके बाद सेकेंड आएगा उसको हम डिनोट ऐसा करेंगे। इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड एरो, मतलब जो पहला था वो था क्लॉकवाइज रोटेशन वाला और जो दूसरा आया वो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला। तो ये था स्पिन क्वांटम नंबर और यहां पर हमारा क्वांटम नंबर कंप्लीट होता है। क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक फैक्ट अबाउट क्वांटम नंबर। जैसे यहां पर जो डिनोट जो वंस अगेन, तो क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक फैक्ट अबाउट क्वांटम नंबर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज इक्वल टू 2n2। इसको हमने शायद पहले भी पढ़ लिया होगा बट फिर से एक बार कर लेते हैं। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं मालूम करना हो तो फॉर्मूला जो यूज करना है वो क्या है, 2n2। वैसे आप देखें तो फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो चीजें लोगों को याद भी होती है बट अगर याद नहीं है तो निकालना कैसे है। तो जो फर्स्ट शेल है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जो सेकेंड शेल है उसके लिए n की वैल्यू 2 होती है, अगर n 2 हो तो यहां पर n 2, मतलब n क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8,
आएंगे सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल में होते हैं थ्री, थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू 3 होती है। अब अगर n 3 हो तो 3 3 9 9 2 18, तो थर्ड शेल में होगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं फोर्थ शेल की, तो n की वैल्यू है होती है 4, और अगर n 4 हो तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का डबल हो जाएगा 32, मतलब फोर्थ शेल में पाए जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल इज इक्वल टू n, जहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ शेल। तो याद रखना है कि फर्स्ट शेल में केवल एक सब शेल होता है जो होता है s, सेकेंड शेल में दो सब शेल होते हैं जो होते हैं s और b, थर्ड शेल में तीन सब शेल होते हैं जो होते हैं s, p और d, फोर्थ शेल में होते हैं फोर सब शेल जो होते हैं s, p, d और f। अब इसको समझते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल, मतलब किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे, तो वो होंगे n, जहां पर n क्या है, आपके शेल का नंबर। तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1, पहला शेल है तो n 1 होगा। अब चूंकि n 1 है तो इसमें एक ही सब शेल होता है जो होता है s, सेकेंड शेल के लिए उसमें पाए जाएंगे दो सब शेल जो होंगे s और p, थर्ड शेल में पाए जाएंगे तीन सब शेल जो होंगे s, p और d, फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू 4 होगी, मतलब उसमें होंगे फोर सब शेल s, p, d और f। अब जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब अगर आपके पास फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब उसमें होगा केवल 1 ऑर्बिटल। फर्स्ट शेल में होता है केवल एक ऑर्बिटल, क्यों होता है तो सुनिए, पहले शेल में होता है s सब शेल और s सब शेल में होता है केवल एक ऑर्बिटल, तो फर्स्ट शेल में होगा एक ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सेकेंड शेल की, सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब सेकेंड शेल में पाए जाएंगे 4 ऑर्बिटल्स। कैसे, तो सुनिए, सेकेंड शेल में दो होंगे सब शेल, एक होगा s और एक होगा p। आप पहले पढ़ चुके हो कि s में होता है एक ऑर्बिटल और p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए 4, और ये लिखा हुआ है पहले से 4, मतलब हम सही थे, हम ये जो बोल रहे थे कि सेकेंड शेल में क्या होंगे n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल, वो हम सही बोल रहे थे, एक ऑर्बिटल s से मिला, 3 ऑर्बिटल p से मिले, ओवरऑल टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं थर्ड शेल की। तो अगर आपके पास शेल कौन सा है, थर्ड शेल, तो थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 3, अगर ये n 3 है तो n का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर ये हो गया 9, तो मतलब ये हुआ कि थर्ड शेल में पाए जाएंगे 9 ऑर्बिटल। कैसे, तो सुनिए, थर्ड शेल है इसमें 3 होते हैं सब शेल, कौन कौन से, s, p और d। आपको शायद मालूम होगा कि s सब शेल में होता है एक ऑर्बिटल, p सब शेल में होता है 3 ऑर्बिटल, d सब शेल में होता है 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, तो आपके पास जो थर्ड शेल है उसमें पाए जाएंगे 9 ऑर्बिटल। कैसे, एक s का, 3 b के और 5 d के, कुल कितने हो गए, कुल हो गए 9 ऑर्बिटल्स। तो अब हमने ये भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब शेल इज इक्वल टू 2 2l + 1। ये क्या चीज है, तो इस पे ध्यान देते हैं। अब वैसे आप लोग याद रखिएगा कि अगर s सब शेल है तो उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p सब शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, d सब शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f सब शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे, तो सुनिए, फॉर्मूला क्या बोला गया, फॉर्मूला बोला गया है 2l + 1 का डबल, ट्वाइस। अब सुनिए, s के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इस फॉर्मूला में मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल, तो वो होगा 2 × 2 ×
एल इक्वल कितनी आ रही है जीरो, तो जीरो प्लस वन, अब कितना बनेगा टू इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन का डबल टू, तो वो तो हो ही गया। देखिए सेम आया टू इलेक्ट्रॉन, मतलब एस में कितने होंगे, एस में होंगे टू इलेक्ट्रॉन। अब मैं देखता हूं किसके लिए, डी के लिए, तो डी के लिए एल की वैल्यू टू होती है, आपको याद रखना है डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू टू होती है। तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 12 प्लस 1, तो जब मैं L के लिए यहां पर 2 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 टू जा 4 प्लस 1 5, देखिए L 2 है ना, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का डबल 10, मतलब यहां पर पाए जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल इज इक्वल टू 2L प्लस 1। आपको याद रखना है एस सबशेल में होता है सिर्फ एक ऑर्बिटल, हम इसको प्रूव करेंगे इस फॉर्मूला से भी, एस में होता है वन ऑर्बिटल, पी में होते हैं थ्री ऑर्बिटल्स, डी में होते हैं फाइव ऑर्बिटल्स, और एफ में होता है आपका सेवन ऑर्बिटल। तो ये कैसे, आप याद रखना है चीजों को, एस में वन, पी में थ्री, डी में फाइव, एफ में सेवन। अब ये कैसे आया होगा, तो ये आया होगा इस फॉर्मूला से 12 प्लस 1 से। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l प्लस 1। अब मान लीजिए मुझे निकालना है किसके लिए, मुझे निकालना है s के लिए, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो 2 इंटू जीरो जीरो प्लस 1 1, मतलब s में होगा 1 ऑर्बिटल, ये देखिए सेम आया। अब मैं लेता हूं मान लो किसके लिए, p के लिए, तो p में होता है l की वैल्यू 1, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, मतलब p में होंगे 3 ऑर्बिटल्स। अब ये भी हो चुका, अब जो लास्ट लाइन है वो लिखी हुई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब क्वांटम नंबर्स को पढ़ लेने के पश्चात हम पढ़ते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में इसे कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम में पाउली ने यह कहा था कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाए। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर एक तरह का, मतलब कोई भी लो चारों में से कोई एक लो सेम हो सकता है, चारों में से कोई दो टाइप्स के सेम हो सकते हैं, चारों में से कोई तीन टाइप भी सेम हो सकते हैं, बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि चारों के चारों टाइप के क्वांटम नंबर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम हो जाए, अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन बिलोंग करते हो सेम एटम से। तो ये था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको हम समझते हैं बोरॉन के एग्जांपल से। आपको मालूम है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो अभी इसको एडजस्ट करिए प्लीज। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो 1s2 2s2 2p1 है। आपको याद रखना है ये सामने जो 1 और 2 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यहां पे 1 लिखा है, यहां 2, यहां 2 लिखा है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये शेल है। 1s का मतलब s सब शेल ऑफ फर्स्ट शेल, 2s का मतलब s सब शेल ऑफ सेकंड शेल, 2p का मतलब p सब शेल ऑफ सेकंड शेल। तो ये सामने 1 2 लिखा होता है ना, ये शो करता है शेल को, और जो ये sp है वो दिखा रहा है आपका ओवरऑल सब शेल को। तो अब आपको याद रखना है कि हमको यहां पर जो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सब के लिए n l m और s की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है कि क्या इनमें से कोई दो ऐसे पॉसिबल हैं जिनके लिए ये चारों वैल्यू सेम है, अगर है तो देखेंगे, वरना ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये अभी हम यहां पे प्रूफ कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो 1s है इसमें आया है फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन, जो ये 2s है उसमें आया है थर्ड और फोर्थ, और 2p में आया है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। 5 है ना, पहला कहां पे आया 1s में, दूसरा कहां पे आया 1s में, तीसरा कहां पे आया 2s में, चौथा कहां पे आया 2s में, और पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा 2p में। तो सुनिए, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो आया 1s में,
वन मतलब शेल, तो इसके लिए शेल क्या होगा, वन होगा। अब याद रखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 1s में, वन मतलब क्या होगा, शेल वन होगा। थर्ड और फोर्थ कहां पर है, 2s में, टू मतलब सेकेंड शेल, तो इन दोनों के लिए भी शेल क्या होगा, टू टू होगा। ये फिफ्थ कहां पर है, 2p में, 2p मतलब p सब शेल ऑफ सेकेंड शेल, तो वो भी शेल क्या है, सेकेंड शेल है, तो यहां पर भी n क्या होगा, टू होगा। इसके बाद हम देखते हैं l, आपको याद रखना है s सब शेल के लिए l की वैल्यू जीरो होती है, तो ये s है तो l जीरो हो गया। सेकेंड कहां पर है, s में है तो l जीरो आ गया। थर्ड और फोर्थ भी कहां पर है, s में ही तो है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जो ये फिफ्थ है ये कहां पर है, p सबशेल में है, और p सबशेल के लिए l की वैल्यू वन होती है। ये हम पढ़ चुके हैं कहां पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर में, तो ये ऐसा आ गया। अब सुनो, वैल्यू ऑफ m डिपेंड करता है l पर, अगर l जीरो है तो m जीरो होगा, जीरो के लिए जीरो जीरो जीरो। अब सुनिए, ये जो m की वैल्यू आई ये कहां से आई है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, आप उसे देख सकते हैं इसी वीडियो में पढ़ाया गया है। अब यहां पर l जो है वन है, अगर l वन हो तो m की होती है तीन वैल्यूज, या तो माइनस वन, या तो जीरो, या तो प्लस वन। अगर आप इस 2p को देखो तो ऐसा अज्यूम कर लो कि ये कुछ ऐसा है। आपको पता है कि 2p सबशेल में होते हैं तीन ऑर्बिटल, जो होते हैं px, py और pz। आपको याद रखना है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, और 1 के लिए m की वैल्यू 3 होती है, माइनस वन, जीरो और प्लस वन। तो इसको हम माइनस वन कहते हैं, इसको हम जीरो, और इसको हम प्लस वन कहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन नहीं पांचवा वाला 2p, ये कैसा होगा, यहां पर दो, यहां पर दो, और 2p में ये ऐसा कुछ है, तो ये एक यहां पे आ गया। अब देखिए जो 2p का इलेक्ट्रॉन है पांचवा, वो कहां पर है, पहले ऑर्बिटल में, मतलब px में, और px में है तो l के बाद जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, माइनस वन। तो यहां पर जो वैल्यू होगी m की वो कितनी होगी, माइनस वन। हम पहले ही बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पहला है तो क्लॉकवाइज स्पिन, s की वैल्यू प्लस हाफ, इलेक्ट्रॉन दूसरा है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और s की वैल्यू माइनस हाफ। तो इसमें ये पहला जो फर्स्ट है वो पहला है तो क्या होगा, प्लस हाफ। ये जो सेकंड है ये दूसरा है ना, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो है थर्ड और फोर्थ, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला वाला क्लॉकवाइज प्लस हाफ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस हाफ। अब फिफ्थ कैसा है, अकेला है, अकेला मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, तो एस कितना आएगा, प्लस हाफ। अब हम चेक करते हैं कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स को। मैं काम करता हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए दोनों के लिए एन की वैल्यू सेम, एल की वैल्यू सेम, m की वैल्यू भी सेम, लेकिन s की वैल्यू क्या हो गई, अलग हो गई। कैसे, ये प्लस हाफ है और ये माइनस हाफ है, तो यहां से प्रूव हो गया कि तीन तो सेम हो सकती हैं लेकिन चौथी वाली कभी भी सेम नहीं होगी। मतलब वही तो बोल दिया गया ना कि किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉसिबल नहीं है जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाए। एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं फर्स्ट को और फिफ्थ को। तो अब देखिए n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, m की वैल्यू माइनस 1, s की वैल्यू प्लस हाफ, s की वैल्यू प्लस हाफ। तो यहां पर तो s की वैल्यू सेम है बाकी सब अलग है, तो यहां से प्रूव हो रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आ जाए। ये था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।